सर क्या करना है वो कर दीजिए। उम्र हमारा 50 बरस हो गया सर, 3 दिन से खाना नहीं खाया सर। अभी देखिए करना है, देश की सुरक्षा और यहाँ के जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में आती है, तो लॉकडाउन का अनुपालन जो है हम 100% करेंगे। और यहाँ पे जो भी इश्यूज है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम्स और एम्बेसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनसे कम्युनिकेशन हो गया है। SSB और हमारी स्थानीय पुलिस जो है एकदम चुस्त दुरुस्त है, और सभी लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि लॉकडाउन का अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, और जो है अपने देश की सुरक्षा अपने हाथ में है, तो सभी लोग जो है जो आदेश आते हैं सरकार के उसका अक्षरशः अनुपालन करें, बस यही विनती है सर। बहुत आदमी जो है ओपन बॉर्डर होने के चलते इधर उधर से भी निकल रहे हैं उस पर, उसके लिए निर्देश दिया गया है, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ ऐसा हो रहा है सील कर रहे हैं उनको जो है कस्टडी में ले रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, उसके बाद जो है क्वारंटाइन करना है, ये सारी कार्रवाइयाँ जो है हम कर रहे हैं। और नेपाल गवर्नमेंट से हमारा कंटिन्यूस टच में भी है, नेपाल पुलिस से भी हमारी स्थानीय पुलिस भी टच में है, SSB भी जो है नेपाल के काउंटर पार्ट से टच में है, तो व्यवस्था हम सील करने की यहाँ पे कर दी है। थैंक यू, धन्यवाद।